एसपी अमन सिंह राठौर के निर्देश में चलाए जा रहे अभियान के तहत बड़ौनी पुलिस ने पकड़ा 4 आरोपी सहित हथियारों का जखीरा। बड़ौनी पुलिस ने पकड़े अवैध हथियारों के सौदागर। एसपी अमन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किया खुलासा। 8 अवैध हथियार, 9 जिंदा कारतूस और 2 बाइक बरामद करने में बड़ौनी पुलिस ने सफलता हासिल की है। पकड़े गए आरोपी बड़ौनी थाना क्षेत्र में अवैध हथियार खपाने की योजना बना रहे थे। आरोपी सचित रावत, कल्ला उर्फ कालीचरण रावत, अरविंद उर्फ कल्ला रावत एवं साहब सिंह परिहार नामक अवैध हथियारों के सौदागर गिरफ्तार। एसपी अमन सिंह राठौर ने बड़ौनी पुलिस को 20,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। इस दौरान एएसपी आरडी प्रजापति और बड़ौनी थाना प्रभारी रविंद्र शर्मा भी रहे मौजूद। अभी माननीय पुलिस महानिदेशक महोदय के निर्देश में संपत्ति संबंधी अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस तरह की जो घटनाएं घटित होती है उसमें अवैध जो शस्त्र रहते हैं, चाहे अवैध कट्टा हो, पिस्टल हो, उनका बहुत उपयोग किया जाता है। इसी को दृष्टिगत देखते हुए पूरे जिले में थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया था कि जो भी अवैध आर्म्स के सप्लायर उन पर नज़र रखी जाए और जैसे ही पुख्ता सूचना मिलती है उस पर कार्रवाई की जाए। कल थाना प्रभारी रविंद्र शर्मा, इनको सूचना मिली थी कि सचिन रावत नाम का आदमी जो कि आर्म सप्लाई करता है, वो आर्म सप्लाई करने आ रहा है। उसको पहले इन्होंने टीम बनाई, उसको पिक किया। उसके बाद में उसने और इन्फॉर्मेशन दी कि 3-4 जगह और वो सप्लाई कर रहा है। तो 3-4 टीमें इन्होंने बनाई और उसमें कालीचरण परिहार, साहब परिहार और अरविंद रावत, 3 अन्य आरोपियों को भी अरेस्ट किया है। इन चारों आरोपियों से कुल मिलाकर के 315 बोर के कट्टे, 2 315 बोर के हथियार, 1 32 बोर की पिस्टल, 9 जिंदा राउंड और 1 देशी भरमार बंदूक मिली है। इसमें एक जो अपराधी है अरविंद रावत, इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है पूर्व से। अन्य जो अपराधी हैं उनके क्रिमिनल रिकॉर्ड और उनकी सप्लाई चेन के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं और आशा है उस पर भी जल्दी हमें सफलता मिलेगी। हम लोगों का पूरा प्रयास है कि पूरे ज़िले में अवैध शस्त्रों की जो सप्लाई होती है उस पर नकेल कसी जाए, जिससे न सिर्फ संपत्ति संबंधी अपराध जबकि अन्य जो भी अपराध जो रंगबाजी के होते हैं और खासतौर पर युवा वर्ग के जो बच्चे हैं जो दिशा भ्रमित हो जाते हैं और भटक जाते हैं, उनको भी अपराध की तरफ जाने से रोका जा सकता है। सप्लाई चेन पर भी हम काम करें, अभी लीक नहीं करना चाहेंगे। अभी तो देखिए हम लोग लगातार नज़र रखे हुए हैं, जहाँ भी मिलती है आपने देखा ही है पिछले 2-3 महीने में 3-4 बार बड़ी कार्रवाइयाँ हुई है, 8-8-10 आर्म्स और कई आरोपी पकड़े गए। लगातार हमारी नज़र जैसी सूचना मिलती है कार्रवाई करें। अभी इस पर मैं